ओके बेटा, सो इन द लास्ट टॉपिक इज अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो आई टोल्ड यू दैट इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड दैट इफ ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज से एन क्रॉस एन, देन लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू। मैंने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लास्ट क्लास में बताया था। इफ देयर एग्जिस्ट एक्स अ वेक्टर एन क्रॉस वन नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई ए एंड एक्स यू गेट अ स्केलर टाइम ऑफ दैट वेक्टर अगेन। ओके, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। फाइन बेटा, एंड हियर हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ टू कंप्यूट। नाउ यू हैव ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। आई कैन राइट इट एज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन टू एक्स। सो दिस इज ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी आर लुकिंग फॉर अ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वी आर लुकिंग फॉर अ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, सो फॉर दैट टू एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई शुड बी जीरो। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम वेयर यू गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। And solving this equation, you get your eigenvalues. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं बेटा? नो मैम। नो मैम। अच्छा। ओके, लेट मी शेयर अगेन बेटा। शेयर स्क्रीन। अच्छा, तब से आप स्क्रीन देख कुछ दिख ही नहीं रहा मैं बोले जा रही हूँ। नो मैम। Now you see? Now is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then I think there is some technical issue because मैं यहाँ से तो share कर रही हूँ बेटा। एक मिनट रुकिए। Screen. Now you are sharing your screen. It says. See? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now is it visible? Yes, ma'am. Everybody? Yes, ma'am. Okay, beta. So let me repeat. Agar visible nahi tha. So we say that suppose A is a given square matrix, lambda is called an eigenvalue of A if there exists a vector, non-zero vector, such that when you multiply the matrix with the vector, you get lambda times that vector again. Okay. Here X is called the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Is that okay, beta? Now, how to compute these eigenvalues? So you have Ax is equal to lambda x. On the right hand side, what I can do, I can multiply with an identity matrix. So I get Ax is equal to lambda identity x. So I get A minus lambda identity x is equal to zero. And we are looking for a non-zero solution of this system of equations that occurs only when the determinant of this matrix is zero. So this is an equation which will give you the values of lambda, which are the eigenvalues of the matrix. So this is called characteristic equation of the matrix. If matrix is of size n cross n, this is a polynomial of degree n. So it has n roots. Okay, beta. So let us see the problem. Fine. आपने ये कैसे कहा कि non-zero solution तभी आएगा जब determinant zero होगा? बेटा ये देखिए ना, ax is equal to zero है अगर, ठीक है? तो अगर if determinant is non-zero, then it means that A inverse exists, है ना? राइट बेटा? यस यस मैम, यस मैम। तो इसका क्या मतलब है, मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो यू विल गेट आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट द ओनली सॉल्यूशन इज जीरो, दैट्स इट फॉर दिस सिस्टम। व्हेन द राइट हैंड साइड इज जीरो, द नॉन जीरो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटरमिनेंट इज जीरो। गॉट इट बेटा? यस मैम।
अदरवाइज ऑल्सो जो एक्सप्लेनेशन मैंने ये एक दिस इज अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन बट आपको पता है ax इज इक्वल टू जीरो हमने कहा था ना ax इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी राइट बेटा याद है ये चीज यस मैम अब यहाँ पे रैंक ऑफ जो भी ए बनेगा ऑगमेंटेड बी साथ में जीरो जीरो लगाओगे बस है ना क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है ना बेटा ए ऑगमेंटेड बी जो बनेगा वो ये बनेगा ए ऑगमेंटेड विद जीरो सो रैंक जो होगा वो सेम ही होगा हमेशा जो भी ए का रैंक है वही ए ऑगमेंटेड बी का होगा तो सॉल्यूशन हमेशा आएगा और अगर जो रैंक है एन के बराबर है मतलब जो पूरा रैंक जो एन के बराबर है देन द ओनली सॉल्यूशन इज जीरो 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 सो इन दिस केस द यूनिक सॉल्यूशन अकर्स ओनली जीरो 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 इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन देन यू विल गेट ओनली द जीरो सॉल्यूशन एंड अदरवाइज अगर आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए देन यू विल गेट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एंड दे विल अकर ओनली व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा बताइए इफ डाउट ओके ओके बेटा सो आई थिंक आपको ना ये वाली ट्यूटोरियल 9 जो है वो आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा करने का अपनी क्लास में ट्यूटोरियल क्लास में क्योंकि आज दिस इज द लास्ट वीक सो मैं ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेटा ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 11 इट इज मैंने लास्ट टाइम भी आपको ट्यूटोरियल के ही करा डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज and the corresponding eigenvectors. In beta. So let us do this thing. First question is 3, 1, 6, 2. This is a matrix and you want to find out its eigenvalues. So you will write determinant of A minus lambda I equal to 0. So A is your 3, 1, 6, 2 minus lambda times identity matrix 1, 0, 0, 1. Is 1 0 0 1 is the determinant equal to 0 so it means that you are saying 3 minus lambda 1 6 2 minus lambda ka determinant 0 so this is 3 minus lambda into 2 minus lambda minus 6 is equal to 0 so this is lambda square minus 5 lambda plus 6 minus 6 is equal to 0 so this and this cancel so you get lambda minus 5 is equal to 0 so lambda is equal to 0 and lambda is equal to 5 so these are the two eigenvalues Okay, beta. These are the two eigenvalues. Clear hai sabko how to compute eigenvalues? Now, the next thing is find the corresponding eigenvector. Find the corresponding eigenvector. So, for that, what you will do? Ab lambda is equal to zero ke case mein. हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वाला एक्स निकालना है आपने ओके सो लैम्डा जीरो है मतलब ए थ्री वन सिक्स टू एक्स को ले लो एक्स वन एक्स टू इक्वल टू जीरो दिस इज थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो सिक्स एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो ये दोनों सेम इक्वेशन है दैट गिव्स यू एक्स टू इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वन तो जो आपका वेक्टर एक्स है which was x1, x2 will look like x1 can take any value and x2 is minus 3x1. So this is x1 outside 1 minus 3 where x1 can take any value. Any non-zero value. है ना क्योंकि हमें non-zero चाहिए होता आइगन वेक्टर Is that okay, beta? So here if I take x1 is equal to 1, so 1 comma minus 3, is one of the eigenvectors. So eigenvector jo hoenge, wo infinite hoenge. If I take x is equal to half, x1 is equal to half, then half minus 3 by 2 is another eigenvector and so on. So aap a likh sakte ho bas. Or you can write like this. It's your choice. Okay. Now the next eigenvalue is 5. So let us find out the eigenvector corresponding to 5. So lambda is equal to 5 jab hai, to ax is equal to 5x. So you have 3, 6, 1, 2, minus 5 times 1, 0, 0, 1 into x. x1, x2 is equal to 0, 0. So, yahan se what you will get? 3 minus 5, 1.
सिक्स टू माइनस फाइव एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो जीरो सो यू गेट माइनस टू वन सिक्स माइनस थ्री एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो जीरो सो वॉट यू गेट माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो सो एक्स टू इज टू एक्स वन सो यूर आइगन वेक्टर विच इज एक्स वन एक्स टू विल लुक लाइक एक्स टू कैन टेक एनी वैल्यू सॉरी एक्स वन कैन टेक एनी वैल्यू एंड एक्स टू इज टू एक्स वन सो यू गेट एक्स वन टाइम्स वन टू वेयर एक्स वन इज नॉन जीरो एनी रियल नंबर सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एक्स वन इज इक्वल टू वन सो देन यूर वन टू इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर देखो बेटा ये सबको क्लियर है इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी तो मैं एक एक आपको थ्री क्रॉस थ्री वाला भी करा रही हूँ सेकेंड पार्ट है इलेवेंथ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट फाइंड ऑल द आइगन वेक्टर्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स थ्री वन माइनस वन माइनस टू वन टू जीरो वन टू राइट सो वॉट यू विल डू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैमडा इक्वल टू जीरो सो यू विल गेट Determinant of 3 minus lambda, 1 minus 1 minus 2, 1 minus lambda, 2, 0, 1, 2 minus lambda equal to 0. So you just find out. Determinant nikalna sabko aata hai beta. Isko solve karoge, you will get this. Minus lambda cube plus 6 lambda square minus 11 lambda plus 6 is equal to 0. This is your characteristic equation. Okay, now we have to find out its roots. तो अब क्यूबिक के आपको ऐसे फॉर्मूला नहीं पता तो क्यूबिक जब भी इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं एक रूट हीट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं यहाँ पे आप ट्राई करो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो नॉट अ रूट लैम्डा इज इक्वल टू वन ट्राई करो बेटा सो इट इज माइनस वन प्लस सिक्स माइनस इलेवन प्लस सिक्स ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो इज अ रूट ओके सो लैम्डा इज इक्वल टू वन इज अ रूट इट मीन्स दैट लैम्डा माइनस वन इज अ फैक्टर सो यू कैन डिवाइड इट विद लैम्डा माइनस वन डिवाइड करना सबको आता है सो यू विल गेट माइनस लैम्डा स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर सो यू विल गेट फाइव लैम्डा स्क्वायर माइनस इलेवन लैम्डा माइनस सिक्स देन यू विल मल्टीप्लाई विद फाइव लैम्डा सो यू विल गेट फाइव लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा ओके सो दिस इज माइनस सिक्स लैम्डा माइनस सिक्स देन यू मल्टीप्लाई विद माइनस सिक्स राइट सो दिस इज माइनस सिक्स लैम्डा माइनस सिक्स Right, so what you get, your roots are, factors are, lambda minus 1 is one of the factor and another factor is here. Lambda square minus plus 5 lambda minus 6 is equal to 0. Now you know how to factorize this quadratic. So this is lambda minus 1, lambda plus 3, lambda minus 3. Hame kya chahiye? Okay, plus 6, achha, minus lambda square. Na? Theek hai, sorry. Okay, so this is, इसको यू कैन राइट एज लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस सिक्स राइट बेटा यू कैन राइट लाइक दिस दिस इज लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू सो वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर वन टू थ्री नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लैम्डा यू विल फाइंड आउट योर आइगन वेक्टर सो फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इज इक्वल टू वन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैसे निकालोगे ए एक्स इज इक्वल टू वन एक्स सो ए क्या है आपका थ्री वन माइनस टू वन टू जीरो वन टू माइनस वन इंटू आइडेंटिटी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इंटू एक्स एक्स को आप एज्यूम कर लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो 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 यू हैव टू सॉल्व इट ओके बेटा तो यहाँ पे करोगे आप यू विल गेट टू वन माइनस टू जीरो टू जीरो वन वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपकी मर्जी है आपको रो ऑपरेशन लगाने हैं मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे मर्जी सॉल्व करो तो हियर व्हाट यू विल गेट टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री जीरो माइनस टू एक्स वन प्लस टू एक्स थ्री जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री जीरो सो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया बेटा एक्स टू की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स थ्री राइट एक्स टू इज माइनस एक्स थ्री ओके और यहाँ से x1 वन इज एक्स थ्री यहाँ से फिर ये सेटिस्फाई हो रहा है अगर x1 वन एक्स थ्री पुट कर दें और x2 की जगह पे माइनस एक्स थ्री पुट कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है
तो आपके पास ये आ गई रिलेशन. इसका मतलब आइगन वेक्टर विच इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लुक्स लाइक एक्स वन की जगह पे आप एक्स थ्री लिख सकते हैं, एक्स टू की जगह पे माइनस एक्स थ्री, और एक्स थ्री कैन बी एनीथिंग. सो दिस इज एक्स थ्री वन माइनस वन वन, वेयर एक्स थ्री इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. सो दिस इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर वन माइनस वन वन. ओके, सो यू कैन राइट वन माइनस वन वन इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर. क्लियर है बेटा? सिमिलरली यू विल फाइंड आइगन वेक्टर्स फॉर टू एंड थ्री. कर लोगे बेटा? टू एंड थ्री के लिए भी आप आइगन वेक्टर फाइंड करोगे. इज दिस थिंग क्लियर? ओके बेटा, किसी को डाउट इसमें? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? ओके, इन द क्वेश्चन नंबर फोर, इसी में क्वेश्चन नंबर फोर जो दिया हुआ है बेटा, उसमें ना आपका थ्री टू फोर टू जीरो टू फोर टू थ्री. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस मैम. ओके बेटा, इसमें देखो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट जीरो करोगे, सो मैं आपको फटाफट बता रही हूँ. सो दिस इज द इक्वेशन यू विल गेट, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस फिफ्टीन लैम्डा प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. इसके जब रूट्स निकालोगे ना तो माइनस वन एट आएंगे, मतलब आइगन वैल्यू रिपीट भी हो सकती है. तो यहाँ पे देखिए रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है? तो जब आप आइगन वेक्टर निकालोगे तो एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? अब जैसे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो. ए आपका ये रहा, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन है, तो ये बन जाएगा आपका फोर टू फोर टू वन टू फोर टू फोर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो जीरो जीरो. देखो तीनों इक्वेशन सेम है ना बेटा, ये भी टू वन टू है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं टू, सो यू गेट टू एक्स वन प्लस एक्स थ्री को भी ऐसी रखो. तो यहाँ पे एक्स वन वाली टर्म्स अलग कर लीजिए और एक्स थ्री वाली टर्म्स अलग कर लीजिए. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स वन वन माइनस टू जीरो प्लस एक्स थ्री जीरो माइनस वन वन, राइट? नाउ आप एक्स वन एंड एक्स टू कैन बी एनीथिंग, एक्स वन एंड एक्स टू आर नॉन जीरो रियल नंबर्स. इस केस में जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है? नॉट साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है? Not zero simultaneously. तो यहाँ पे देखिए, so if if x1 is one and x2 is zero, उस केस में one two minus two zero, and if x1 is zero, x3 is sorry not x x3 is one. In that case, you have zero minus one one. So these are the two eigenvectors, or you can say this is the set of all eigenvectors. फाइन बेटा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी, वैसे जरूरी नहीं है कि अगर दो बार रिपीट हो रही है आइगन वैल्यू तो दो ही आइगन वेक्टर आए, एक भी आ सकता है, जो भी आए एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है. तो आई एम टेलिंग यू व्हेन यू गेट ओनली वन रिलेशन हियर, जैसे लास्ट एग्जांपल में क्या आ रहा था, दो रिलेशन आ रहे थे तो एक ही वेक्टर इनटू स्केलर मल्टीपल बन जा रहा था. यहाँ पे सिस्टम ऐसा बन रहा है कि एक ही रिलेशन आ रहा है तो आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे. ओके बेटा. Okay, students, so this is how we are done with our syllabus. Okay, now tell me, आपने tutorial 8 किया है class में? Yes, बेटा. हाँ मैम. Tutorial 8 नहीं हुआ आपकी class में? Mostly 9 के questions मैंने आपको करवा दिए हैं class में. Tutorial 9 में आपने क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर थ्री, वो मैंने क्लास में भी बताया था पहले भी, ठीक है? अब मैं एक आधा क्वेश्चन और करा रही हूँ ट्यूटोरियल नाइन में ही. इफ यू हैव डाउट्स इन ट्यूटोरियल एट, यू कैन आस्क दैट आल्सो नाउ, ठीक है?
जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर बेटा आप अभी मुझे बताओगे, एग्जामिन वेदर, क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जामिन वेदर 1 1 1 1 2 3 -1 0 1 इज अ बेसिस ऑफ V3 और नॉट. कैसे करेंगे? मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा दिया आपको, क्या चेक करोगे बेटा आप? यस, दो चीजें चेक करोगे ना, इट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V3. बट इसको आप, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं एंड यू नो डायमेंशन ऑफ V3 इज 3, तो ये वाला अवॉइड भी कर सकते हो यूजिंग एन डायमेंशनल थ्योरम. ओके बेटा, सो यू कैन अवॉइड दिस पार्ट, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू साइट एन डायमेंशनल थ्योरम. ओके बेटा, व्हाट इज एन डायमेंशनल थ्योरम? दैट टेल्स यू दैट इफ देयर इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ लाइक हु साइज इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस, then you don't need to check the span part. That will sure form a basis of that particular space. So mostly मैंने सारे questions आपको करा दिए. एक और एक कर सकते हो आप, question number 9. Let P be the space of all polynomials of degree at most 3. Let P be the space of all polynomials of degree at most 3. Can anybody tell me what is the dimension of this space? P kaisa hai? a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube such that all ais are real. Iski dimension kitni hai beta? Yaad hai kisi ko? Maine aapko karaya tha na ki dimension of Pn is n plus 1. Matlab agar space of polynomials of degree less than is equal to 3 ki dimension n plus 1 hoti hai. तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो इसकी डायमेंशन 3 है, तो डायमेंशन कितनी होगी? 4. उसके बाद उसके अंदर दिया हुआ है W1 इज अ सबसेट ऑफ दिस स्पेस, ऑल दोस फंक्शंस सच दैट F(1) इज 0 एंड F(x) इज इन P3. एक W2 दिया हुआ है व्हिच इज F(x) सच दैट F'(1) इज 0 एंड F(x) इज इन P3. ये दोनों सबस्पेसेस हैं. लेट दीज बी द सबस्पेसेस. फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1, W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2. ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, बट हम एक बार फिर कर सकते हैं. फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1, W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2. कैसे करेंगे बेटा? अब देखो, W1 जो है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये सबस्पेसेस हैं, हो सकता है आपको बोला जाए कि सबस्पेसेस प्रूव करो. उस केस में आपको सबस्पेस प्रूव करने वाली जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसे करना है. अब यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिस और डायमेंशन निकालनी है. तो Fx बिलोंग्स टू W1, ऐसा मान लो इसको, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब बिलोंग्स टू W1 इंप्लाइज F(1) इज 0, व्हिच इंप्लाइज इसमें 1 पुट कर दो, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इज 0, विच इम्प्लाइज a3 इज -a0 -a1 -a2. ओके, सो आपका जो फंक्शन है विच इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, वो कैसा दिखेगा? दैट विल बी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 की जगह पे आप पुट कर सकते हो -a0 -a1 -a2 x क्यूब. फाइन बेटा, सो ये क्या बन गया आपका, a0 और a0 वाला कंबाइन करो, सो यू विल गेट 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू a0 प्लस a1 वाला करो, a1 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. ओके बेटा, सो इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन w1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये वाला एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट एक्स माइनस एक्स क्यूब एंड दिस एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. अब इसमें से हमने देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. नाउ वी नीड टू चेक इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. चेक इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. बताओ बेटा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कोई बता सकता है?
यस बेटा, कैसे चेक करोगे? आप करोगे अल्फा इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस बीटा इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस गामा इंटू थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो. सो यू विल गेट, इसको करो, दिस इज अल्फा, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है. एक्स का कोफिशिएंट इज फ्रॉम हियर बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए बेटा, प्लस गामा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू जीरो, राइट? देयरफॉर इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. देयरफॉर बेसिस ऑफ w1 is 1 minus x cube, x minus x cube, x square minus x cube. So dimension of w1 is number of elements in the basis. So 3. Is that okay, beta? Similarly, we will find the basis and dimension of w2. Same. And then you will find the basis and dimension of their intersection. Okay, beta? तो इसमें और सारे क्वेश्चन बाकी सिंपल है. ट्यूटोरियल 9 में यू कैन डू द शीट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी मैम. यस स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद आवर सिलेबस एंड आई आल्सो लाइक कवर ट्यूटोरियल 9 इन द क्लास इटसेल्फ. सो यू कैन जस्ट सी व्हाट, इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन अरेंज फॉर डाउट क्लास, यू जस्ट लेट मी नो. ओके बेटा, All the best everybody for your examination. And अगर कभी भी आपको कुछ भी doubt हो, you always everybody has my number, right? Phone number है ना सबके पास? Or you can also drop me an email if you have any query or anything. Okay, ma'am. Okay, beta. So all the best. Thank you, ma'am. Okay, everybody. Bye, bye. Have a nice day. Stay in touch, beta. Bye. Bye, ma'am. Bye.